गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, आपका अपने चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज मैथ क्लास का पहला दिन है। आप लोगों का क्लास में एनसीईआरटी चलेगा और जो थ्योरी बताएंगे, ऑल बुक का पढ़ाई बताएंगे, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे भारती भवन हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे एच सी वर्मा हो, एनीबडी, आप घर पर कोई भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट होगा या प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में लिखिए और उसका सोल्यूशन अगले दिन करके आपके व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो एनसीईआरटी का अध्याय 2 है और ये मार्क्स एग्जाम में ये 6 नंबर में पूछता है और इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स में होगा प्रतिलोम, त्रिगोनोमेट्रिक में होगा त्रिकोणमितीय, फंक्शन में होगा फलन। तो सबसे पहले हम थ्योरी जानेंगे और थ्योरी में पहला टॉपिक है प्रतिलोम फलन। इसका इंग्लिश लिखे हैं इनवर्स फंक्शन। पहला टॉपिक क्या है? प्रतिलोम फलन। इसका इंग्लिश लिखे हैं इनवर्स फंक्शन। तो इसका हम डिफिनेशन जानेंगे, सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, जैसे एफ कोई फलन है तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। एफ कोई फलन है तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। चलिए, जेड कोई फलन है तो जेड इनवर्स को क्या कहेंगे? प्रतिलोम फलन। वाई कोई फलन है तो वाई इनवर्स को क्या कहेंगे? प्रतिलोम फलन। एक बार फिर से, एफ कोई फलन है तो एफ इनवर्स को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन। जेड कोई फलन है तो जेड इनवर्स को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन। वाई कोई फलन है तो वाई इनवर्स को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन। बोलिए, कोई दिक्कत है? आप सो रहे हैं ना? नहीं, आप सो रहे हैं, खड़ा होइए। आप खड़ा हो गए, ये बताइए एफ इनवर्स को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन। वेरी गुड, गजब जी, आप नींद में कब पढ़ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा बताए हैं। तो जैसे ये है, एफ कोई फलन है तो एफ इनवर्स को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन। जेड कोई फलन है तो जेड इनवर्स को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन। वाई कोई फलन है तो वाई इनवर्स को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन। अगर आपसे कोई पूछे प्रतिलोम फलन है क्या, तो आप एकदम टूटी फूटी भाषा में समझा सकते हैं। एफ कोई फलन है तो एफ इनवर्स को बोलेंगे प्रतिलोम फलन। लेकिन अगर कोई कहेगा आप लैंग्वेज में बताइए, आप तो डायरेक्ट कहेंगे सर तो लैंग्वेज में नहीं बताए हैं, बताए नहीं है, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप अपने से भी लैंग्वेज में बनाकर बोल सकते हैं। तो देखिए किस तरह लैंग्वेज में बोलेंगे। यदि एफ कोई फलन हो तो, क्या बोले जी? यदि एफ कोई फलन हो तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। उसी तरह फिर लोग इसको भी वैसे ही बोल सकते हैं, यदि जेड कोई फलन हो तो जेड इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। इसको भी उसी तरह बोल सकते हैं, यदि वाई कोई फलन हो तो वाई इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब बोले समझ में आ गया ना? अगर कोई कैसा भी पूछेगा आप बता सकते हैं, चाहे लैंग्वेज में हो चाहे समझाने के लिए कहेंगे तो बता सकते हैं ना। चलिए, कोई दिक्कत? अब इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं।
ठीक ना। तो देख लीजिए, यदि एफ कोई फलन हो तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। अगर आप एफ की जगह पर लिखते हो वाई, यदि वाई कोई फलन हो तो वाई इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। अगर आप एफ की जगह पर लिखते जेड, यदि जेड कोई फलन हो तो जेड इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए हैं एफ क्या है, फलन है, और एफ इनवर्स क्या है, ये प्रतिलोम फलन है, ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो अब इसके आगे हम जानेंगे, अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश है इनवर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन, इससे पहले बता भी चुके हैं जब स्टार्ट किए थे। तो ध्यान दीजिए, अब इसका डिफिनेशन जानेंगे। तो ये देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। देख लीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा टैन इनवर्स एक्स कॉमा कॉट इनवर्स एक्स कॉमा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जितना भी यहाँ दिया गया है तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसी को बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा टैन इनवर्स एक्स कॉमा कॉट इनवर्स एक्स कॉमा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या किया जाए, कहा जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लैंग्वेज में बोलेंगे इस तरह, गणित की वह शाखा जिसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा टैन इनवर्स एक्स कॉमा कॉट इनवर्स एक्स कॉमा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कोई डाउट है, नहीं है, तो चलिए अब इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं। देख लीजिए, गणित की वह शाखा जिसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा टैन इनवर्स एक्स कॉमा कॉट इनवर्स एक्स कॉमा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। तो अब आगे इसका टॉपिक हम जानेंगे, आगे आपका टॉपिक है, आगे अगला आपका टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण, इंग्लिश होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रॉपर्टीज मिस हो जाएगा गुण, ऑफ मिस होगा का, इनवर्स मिस होगा आपका प्रतिलोम, त्रिकोणमेट्रिक मिस होगा आपका त्रिकोणमितीय, फंक्शन मिस होगा आपका फलन। तो देखिए इधर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण जो है वह निम्नलिखित होता है। सबसे पहले हम पाला जानेंगे, पाला कौन है, देखिए पाला में फर्स्ट में तीन गुण मिलेंगे, और जो ये गुण है ये आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। देखिए पाला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, दूसरा है
टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तीसरा आपका है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है और फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको तीन फॉर्मूला है। पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। दूसरा है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ये जितना तीनों फॉर्मूला है ये तीनों फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे। और ये एक तरफ से ये प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। तो अब इसमें कुछ हम समझेंगे। पहला देखिए क्या है, अगर यहां साइन है तो यहां कॉस है, ध्यान दीजिए, अगर यहां साइन है तो यहां कॉस है। देखिए नीचे लिख देते हैं, यहां साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है बराबर पाई बाई टू। ध्यान दीजिए, यहां साइन है तो यहां कॉस है, लेकिन यहां जो एंगल है एक्स है और यहां भी एंगल एक्स है। कहने का मतलब यह है अगर यहां साइन है तो यहां कॉस रहना चाहिए, लेकिन एक शर्त और है, एक कंडीशन और है, यहां जो एंगल है ये आपका सेम होना चाहिए, ये एंगल आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये एंगल सेम है तभी आपका पाई बाई टू होगा, ना तो नहीं होगा। देख लीजिए, मान लीजिए यहां दे दिया साइन इनवर्स वाई और प्लस यहां कॉस इनवर्स दे दिया वाई, ये बराबर पाई बाई टू, तो ये बिल्कुल आपका 100% एकदम सही है, क्योंकि यहां साइन है तो यहां कॉस है, लेकिन यहां पर जो एंगल है ये बराबर होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, तब ये आपका पाई बाई टू होगा। कोई जरूरी नहीं है यहां एक से तो हम यहां एक से तो यहां एक से रहेगा ही रहेगा, यहां एक से तो हम एक से लेंगे, कुछ एक्स के जगह पर आप वाई भी ले सकते हैं, आप जेड भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहां साइन है तो कॉस रहना चाहिए, लेकिन यहां पर जो एंगल है आपका एकदम पूर्ण रूप से ये समान होना चाहिए, तब ये आपका पाई बाई टू होगा, ना तो नहीं होगा। मान लीजिए सपोज है कोई ऐसे भी दे देंगे, देख लीजिए कोई ऐसे भी बता सकते हैं, दे दिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। तो बाबू आप बिना सोचे हुए एकदम पहले ही बोल दीजिएगा ये गलत है, कहिएगा क्यों, क्योंकि यहां साइन है तो यहां कॉस है, ये तो आपका कंडीशन एकदम सही है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है यहां जो हमको एंगल चाहिए ये सेम हो चाहिए, अगर यहां एक्स है तो यहां भी एक्स चाहिए, तब आपका ये पाई बाई टू होगा, ना तो नहीं होगा। देख लीजिए, और साइन इनवर्स फोर एक्स प्लस कॉस इनवर्स फोर एक्स बराबर पाई बाई टू, तो ये आपका 100% सही है। देख लीजिए यहां साइन है तो कॉस है, एकदम ये आपका फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर जो एंगल है ये आपका क्या है, सेम है, तो इसलिए आपका ये पाई बाई टू होगा। अगर ये सेम नहीं रहेगा, जहां यहां पर सेम नहीं है तो यहां पाई बाई टू लिखा कि नहीं, ये गलत है, लेकिन यहां पर साइन है तो यहां कॉस रहना चाहिए, तो गारंटी है, और यहां जो एंगल ये सेम होना चाहिए, तब जाकर आपका पाई बाई टू एकदम ये सही है। तो उसी तरह यहां भी है, देख लीजिए यहां टैन है तो यहां कॉट है, माइनस पर ढाल लीजिए, अगर यहां टैन है तो यहां कॉट रहना चाहिए, और प्लस में यहां जो एंगल आपका क्या है, सेम है, जैसे पहला है उसे ही आपका दूसरा भी है, अगर यहां टैन है तो यहां कॉट रहना चाहिए, लेकिन यहां भी एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये आपका पाई बाई टू होगा। देख लीजिए, आइए देख लीजिए, जैसे ये है टैन इनवर्स वाई प्लस ये आपका कॉट इनवर्स वाई है बराबर पाई बाई टू, तो ये आपका 100% सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां टैन है तो कॉट रहना चाहिए, लेकिन यहां एंगल भी आपका सेम है, तो इसलिए आपका ये पाई बाई टू होगा। अगर आप इस तरह दे देते हैं, मान लीजिए टैन इनवर्स वाई दे दिए प्लस
कॉस इनवर्स आप दे दिए वाई बराबर पाई बाई टू, तो बाबू ये आपका गलत है। क्यों है गलत है? क्योंकि आप पहला कंडीशन ये है, अगर यहाँ टेन है तो कॉट रहना चाहिए, कॉट तो नहीं है, पहले ही गलत प्रूव कर दिया, पहले ही आपका गलत है ये। दूसरा कंडीशन ये, यहाँ पे एंगल से एंगल तो सेम है, लेकिन जो पहला हमको कंडीशन है अगर यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट रहना चाहिए, इसलिए आपका ये गलत है। क्योंकि यहाँ कॉट रहेगा तो आपका हो जाता है कंडीशन, इस भी ऐसा भी आता है, देख लीजिए टेन इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z बराबर पाई बाई टू, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट है, ये तो प्रूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो आपका एंगल है, ये आपका एंगल सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पाई बाई टू नहीं होगा और इसलिए आपका ये गलत है। तो उसी तरह नीचे भी है, अगर यहाँ सेक है तो कॉसेक होना चाहिए, और यहाँ जो एंगल है सेम होना चाहिए, तब तो आपका जाके ये पाई बाई टू होगा ना तो नहीं होगा। जैसे अभी समझाए ये दोनों जस्ट ये भी ऐसा ही है, अगर यहाँ सेक है तो कॉसेक होना चाहिए, और यहाँ जो एंगल है आपका क्या है सेम है, इसलिए आपका ये पाई बाई टू होगा। देख लीजिए इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल जान लेते हैं, देख लीजिए, देखिए sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y बराबर पाई बाई टू, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ sec है तो यहाँ cosec है, ये तो आपको फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ये आपका सेम नहीं है, इसलिए आपका ये गलत है। दूसरा है sec इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई टू, बाबू ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ सेक है तो यहाँ कॉसेक रहना चाहिए, ये तो पढ़ ही गलत हो गया, प्रूव कर गया, यहाँ पर तो एंगल सेम है, यहाँ पर एंगल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आपका इनवर्स है, ये आपका इनवर्स, क्योंकि यहाँ सेक रहा, अगर ये सेक रहा, अगर यहाँ सेक है तो आप यहाँ कॉसेक होना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं है, इसलिए ये आपका पाई बाई टू नहीं होगा, ये आपका गलत है। अगर मान लीजिए दे दिया ऐसे sec इनवर्स z प्लस cosec इनवर्स z बराबर पाई बाई टू, तो ये आपका सही है, फ्लो कर रहा है। देख लीजिए यहाँ sec है तो यहाँ cosec होना चाहिए, ये आपका सही है, और यहाँ पर भी जो एंगल है आपका क्या है सेम है, इसलिए आपका पाई बाई टू है, और इसलिए आपका ये क्या है सही है। तो आप कंडीशन जान ली, अगर यहाँ साइन है तो कॉस रहना चाहिए, और यहाँ पर जो एंगल है सेम होना चाहिए, तब ये पाई बाई टू होगा। अगर यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट रहना चाहिए, और जो एंगल है ये आपका सेम होना चाहिए, तब ये आपका पाई बाई टू होगा। और ये सेक है तो यहाँ कॉस होना चाहिए, और यहाँ पर जो एंगल है ये आपका सेम होना चाहिए, इसलिए आपका पाई बाई टू होगा। बस आपको अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आप कॉमेंट करिए आपको यहाँ पर इस तरह दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।